बलोच ट्रैवलॉग के एक और किचन एपिसोड के साथ हारून बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद का मौसम आज कदरे ठंडा है और बारिश लगी हुई है, तकरीबन कोई 12-13 घंटे से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट डिनर में ट्राई करना चाहिए, तो आज मैं क्रैब्स ले आया था। यकीनन क्रैब्स आपको पसंद, हर किसी को पसंद नहीं होते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो सर्दियों के लिए मुनासिब भी हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं क्रैब्स ले आया था तकरीबन 1 किलो, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं कैसे क्रैब्स कुक करता हूँ। लेकिन क्रैब्स को कुक करने से पहले टेक्निकल जो चीज़ है वो ये कि उसको साफ़ कैसे किया जाए, तो साफ़ करने के लिए उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तकरीबन 1 किलो के करीब ये क्रैब्स हैं, और 4 क्रैब्स, 2-3 बड़े और 1 छोटा क्रैब इस पर 1 किलो में आया। और इसको साफ़ करना एक यकीनन थोड़ा सा मुश्किल काम है, और चूँकि हम ज़्यादा कुक नहीं करते, ज़्यादा बनाते नहीं हैं, तो इसलिए हमें उसका ज़्यादा पता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसको क्लीन किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये कि मैंने पानी गर्म करना रखा हुआ है, ये देख सकते हैं पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म होने के बाद इसको मैं इन क्रैब्स को उस पानी में उबालूंगा तकरीबन 60 सेकेंड के लिए। 60 सेकेंड के लिए उबालने के बाद इसको फौरन मैं निकालूंगा, और इसको अभी मैंने इसकी जो इसके स्केल्स हैं उतारे नहीं हैं, स्केल्स समेत मैं इनको उबालूंगा, और फिर इसको ठंडे यख पानी के अंदर, कोशिश करें अगर गर्मियों में पका रहे हैं तो बर्फ़ वाला पानी हो, तो उसके अंदर जैसे ही आप गर्म पानी से निकालें, बर्फ वाले पानी में डाल दें, और उस वक्त तक उसके अंदर रखें पानी के अंदर जितनी देर तक वो ठंडे नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि क्रैब का जो मीट है वो बहुत डेलिकेट होता है और फौरन कुक हो जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक इसको पकाएंगे गर्म पानी में तो फौरन कुक हो जाएगा। गर्म पानी के अंदर मैं क्रैब्स को डाल दिया, और सिर्फ 60 सेकेंड्स के लिए हमने इसको गर्म पानी के अंदर रखना, और फिर फौरन इसको निकाल के ठंडे पानी में रखना है। और ठंडा पानी मैंने एक साइड पर पहले से भर के रख दिया हुआ है। क्रैब्स को मैंने ठंडे पानी में रख दिया था, और क्रैब्स को अब मैं अनपैक करने लगा हूँ। अनपैक करने के लिए आपको इधर से जो उसको बैक साइड है जैसे इसको पकड़ के जैसे ऐसे खोलना है, तो ये खुल गया। और ये जो इसका पोर्शन है ये सारा आप इसी ठंडे पानी में इसको धो लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा इसका स्टमक है, तो स्टमक को आपने निकाल लेना। निकालने के लिए आप इसको पानी से इसको रिंस कर लें, देखें, और बाकी जितना भी वाइट पोर्शन है ये सारा का सारा मीट है, तो आपने वाइट पोर्शन को छोड़कर बाकी सब जितना भी है इसको रिंस कर लेना है। निकाल लेंगे, ये देखें इसको आप निकाल लें, ये सारी चीज़ें इसको निकाल के मैं एक साइड पे कर देता हूँ, चेक कर लें, ये सारा स्टमक का जो पार्ट है ये सारी चीज़ें मैं निकाल लूँ, ठीक हो गया। ये सिर्फ आपने इसका वाइट पोर्शन छोड़ देना है, वाइट पोर्शन जो है इसका वो नीचे है, ये वाला, ये देखिए अब इसका जो स्टमक है वो सारा साफ हो गया। मैं अच्छी तरह इसको साफ कर लेता हूँ, और भी ये सारे जो इतने से ऊपर से सारी जो चीज़ें लगी हुई हैं मैं इसको उतार रहा हूँ। धोने के बाद आपके पास क्रैब इस तरीके से आ जाएंगे, उनको आपने करना क्या है, इसको इन टांगों को, उसकी जो टेंटिकल्स हैं इसको आपने उतार लेना बड़े एहतियात से। इसके बड़े शार्प एजेस होते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी बेएहतियाती की आपने तो ये आपको ज़ख्मी कर देंगे, तो इसको बड़े एहतियात के साथ आपने उतारना। इनको उतार के साइड पर रखना हमें, और इनको बाद में पाएंगे। लेकिन ये जो पोर्शन है इसके अंदर इसका वाइट फ्लैश है विच इज़ द कोर, इसको कैसे साफ करना है इसको बड़े एहतियात से आप इसको ऐसे खोल लें। खोलने के बाद जो वाइट पोर्शन है उसको अलहदा कर लें, और ये देखें इसके अंदर सारा फ्लैश है। इसको आप निकाल कर इसके अंदर मैं एक साइड पर अलहदा कर रहा हूँ, क्योंकि यही मेन चीज़ है
अब इसे पकाना शुरू करते हैं। अब इसके पकाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जो इसका फ्लैश है क्रैब का, दिस इज द कोर पार्ट, तो इसका जो इसके जो जायका है उसको आपने प्रिजर्व रखना है। ऐसे इस तक बिल्कुल भी नहीं करना कि इसका जो जायका है वो ख़राब हो जाए, बिकॉज दिस इज कोर। तो इसको हम ऐसे कुक करेंगे कि हम इसको बहुत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका जो फ्लैश है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, ज़्यादा कुक करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, मतलब कि इसका जो अपना जायका है वो ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो गजाइयत है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इसकी गजाइयत को भी मेनटेन करना है और इसका जायके को भी। तो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ अभी। मेरे पास मैंने ग्रीन अनियन उसको चॉप कर लिया हुआ है, वो है मेरे पास। मेरे पास लहसुन है और थोड़ा सा मैंने दूसरा अनियन भी जो है उसको भी चॉप करके रखा हुआ, इसको भी मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा, लेकिन ज़्यादा मैं इसको ग्रीन अनियन के अंदर कुक करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऑयल जो है वो मेरा ख़ास ऑयल जो है वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। खुबानी के बादामों का ये ऑयल है, इसको उसमें थोड़ा सा डाला मैंने और सबसे पहले मैं इसके अंदर लहसुन डाल रहा हूँ। लहसुन डालकर मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेता हूँ। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा हल्का सा और इसका जायका मुझे इसकी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं इसको इसके अंदर दीगर चीज़ें भी डालूँगा। तो देखते जाइए कि मैं क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लहसुन आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ग्रीन मसाला जो मैं जिसको ग्रीन मसाला कहता हूँ उसके लिए मैं ग्रीन अनियन सब्ज प्याज जो आप जानते हैं कैसा दिखता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको भी मैं थोड़ा सा भून लेता हूँ। चूँकि टमाटर आजकल महंगे हैं तो उसका हल मैंने ये निकाला हुआ है कि जो टमाटो पेस्ट है वो मैं यूज़ करता हूँ। तो टमाटो पेस्ट मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा, तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच के करीब फ्रीज करके रखा हुआ, ताकि जो टमाटर का जायका है वो आए। काफ़ी हद तक ये भून गया। अब मैं इसके अंदर तकरीबन एक से डेढ़ टेबल स्पून सोया सॉस डाल रहा हूँ। वॉर्चेस्टरशायर सॉस ये भी तकरीबन एक से डेढ़ टेबल स्पून। चिली सॉस अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूंगा। मसाले में कौन से ऐड करूंगा? तकरीबन एक चम्मच कुरी मिर्च, अदरक का पाउडर डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर तकरीबन एक चम्मच, साबुत धनिया थोड़ा सा इसको मैं क्रश करके इसमें डालूंगा, इसको साथ साथ में हिलाता जाऊँ। नमक डालूंगा इसके अंदर तकरीबन एक चम्मच, और इस टेंटिकल्स के क्रैब के जिनको मैंने साफ नहीं किया था, जिनको मैंने जिनके मुझे फ्लश नहीं निकाल सकता था मैं, उसको मैंने ऐसे ही इसके अंदर डाल दिया है धोने के बाद। इसको पहले से मैं डाल दिया कि थोड़ा सा ये दम में मैं रखूँगा ताकि इसके जो अंदर फ्लैश है वो
अच्छे तरीके से पक जाए और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसके अंदर दम में रख देता हूँ। हल्की आंच में तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसको दम में रखा था और मैं दम से हटा रहा हूँ और उसको जल्दी से मैं भिगा देता हूँ चम्मच लगा कर। मैं अब इसके अंदर जो मेन जो इसका पार्ट है ये फ्लैश है इसको मैं इसके अंदर उंडेल रहा हूँ। और याद रखिएगा कि ये फ्लैश है इसका बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, इसको आपने ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं है, सिर्फ इतना देर के लिए पकाना है कि ये थोड़ा सा इसका इसके अंदर रच जाए। हमने याद होगा आपको शुरू में हमने इसको उबाला भी था, हमने इसके अंदर ये डाल दिया। अच्छी तरह हिला दिया इसके अंदर ताकि मसाला इसके अंदर सारा रच बस जाए और इसको अब मैं रख दूंगा थोड़ी देर के लिए दम के ऊपर मजीद और हल्की आंच के ऊपर। ज़्यादा इसको आंच देनी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, उसकी वजह यह है इसकी गज़ाइयत एक तो मेंटेन रहेगी और दूसरी इसका जायका ख़राब नहीं होगा। होपफुली ये तैयार हो गया होगा। 2 से 2.5 मिनट के बाद मैं इसको ढकना खोल रहा हूँ और मज़ीद जायके के लिए खुशबू के लिए मैं पार्सली ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया पार्सले और ये कहना थाइम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, सिर्फ इसका मकसद ये था कि आप जब खा रहे हो तो आपको इनका इनका जायका इनका जो फ्रेगरेंस है वो आपको आपके जायके में मज़ीद ऐड कर देती है। फाइनल मैं इसको हिला देता हूँ, इसको मैं मिक्स कर दिया है ऐसे करके ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से इसके बोर्ड के साथ मिक्स हो जाए। और आई एम प्रीटी श्योर कि इट्स रेडी नाउ, देख सकते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट रेडी। मैं भी इसको उतार लेता हूँ, उतारने के बाद इसको ट्रे में ट्रांसफ़र करके और फिर इसको इट्स नाउ रेडी, गरम गरम इसको खाएंगे। क्रैब हमारा रेडी है आप देख सकते हैं, और जो जिस स्टाइल से मैंने इसको बनाया है ये थाई स्टाइल है, थाई इस तरीके से बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर थाई सॉसेस मैंने यूज़ किए हैं, सोया सॉस और दूसरे सॉसेस, और इट लुक्स सो यम्मी। और मुझसे अब वेट नहीं हो रहा तो मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट टाइम इसी नेक्स्ट डिश के साथ हम बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।